हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। कुछ वक्त पहले देश में नागरिकता कानून को लेकर हिंसात्मक माहौल बना हुआ था। उपद्रवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसी बीच चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना नाम का वायरस भारत में भी पैर पसारने लगा, तो दिल्ली में हो रही हिंसा शांत हो गई। लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ वाले इलाके में जाने से सतर्कता बरतने लगे। लोगों के जहन से CAA, NRC, NPR जैसे मुद्दे कुछ वक्त के लिए निकल गए थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों को इस कानून की याद दिला दी। उनके इस बयान को स्वरा भास्कर ने सपोर्ट करते हुए मास्टर स्ट्रोक भी बताया, जिसके चलते लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, स्वरा भास्कर शुरुआत से ही CAA, NRC और NPR जैसे कानून के खिलाफ विरोध कर रही हैं। कई बार उन्हें भड़काऊ भाषण देने की वजह से लोगों से खरी खोटी भी सुननी पड़ी, लेकिन स्वरा की आवाज थमी नहीं। जैसे ही कोरोना वायरस नाम का दहशत भारत में फैला, स्वरा भास्कर जैसे लोग मानो अपने अपने बिल में घुस गए। वहीं अब जब अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कोरोना के साथ साथ NCR और NPR का भी जिक्र किया, तो स्वरा ने उनकी तारीफ में एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि मास्टर स्ट्रोक बहस, अरविंद केजरीवाल सर ने CAA, NRC, NPR को पॉइंट आउट किया और ये भी बताया कि कैसे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा प्रोजेक्ट ना सिर्फ एंटी मुस्लिम है बल्कि एंटी पीपल है। उनके इस बयान के बाद लोग पूछने लगे कि केजरीवाल और टुकड़े टुकड़े गैंग की दोबारा दोस्ती हो गई क्या। एक अगले यूजर ने लिखा कि 10 दिन से चुप बैठी हुई लोमड़ी को जब भेड़िए का साथ मिल जाता है तो कैसे खुश हो जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये वही स्वरा है जो कुछ दिनों पहले दिल्ली हिंसा को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कह रही थी कि ट्वीट के अलावा भी कुछ कर लीजिए। आज जब केजरीवाल ने काफी वक्त बाद एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया, तो स्वरा उनका साथ देने लगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने NRC को लेकर कहा था कि अगर देश के राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने कह दिया है कि NRC आएगा, तो जाहिर सी बात है आएगा ही। साथ ही इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि भगवान की दया से अभी तक कोरोना वायरस हमारे यहाँ इतना फैला नहीं है, लेकिन इसको लेकर हमारे देश में भी काफी चिंता है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। सभी पार्टियां और नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमारे देश में बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी हुई है, लेकिन इस वक्त सारा देश CAA, NRC, NPR के पीछे पड़ा हुआ है। इसके अलावा अपने ट्वीट में भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए लिखा है कि NPR और NRC के तहत जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। 90% लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। केंद्र से मेरी अपील है कि NPR और NRC को रोक दिया जाए।